आज स्कूल में होगी करी पार्टी। ये पकड़ लिया। आपको अचानक देखकर मैं डर गई। ऐसी बात है तो मुझे माफ कीजिएगा, आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज खरी राइस पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे खूब पेट भर के चावल खाएं, इसलिए मैं इस बैग के सारे चावल बना दूंगा। हाँ हाँ जैसा आप ठीक समझें। मुझे करी पार्टी बहुत पसंद है कजामा। मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अभी तो करी बननी शुरू भी नहीं हुई। जानते हो मुझे कल रात करी पार्टी का सपना भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी। अरे वाह, मुझे भी आया था। लगता है आज की करी पार्टी में हम सबको बहुत मजा आने वाला है। अरे अरे पहले मेरे सपने के बारे में तो सुनो। अच्छा बच्चों, जैसा कि बताया था आप सब सब्जियां लेकर आए हैं ना? जी हाँ। अरे शिनचान, ये क्या तुम तो चिप्स लेकर आए हो? मैं क्या करूँ, प्याज लाना भूल गया। अरे मसाओ तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मसाओ प्याज लाना भूल गया है। मसाओ तुम प्याज लाना कैसे भूल सकते हो? उसे ऐसा मत कहो शिनचान। फिर उसे क्या कहना चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। देखो मैं ले आया। अरे वाह बदल दिए। अजय तुम अब परेशान मत हो मसाओ। मसाओ तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगी। मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ये देखो मैं प्याज लाना नहीं भूला दोस्तों। अब तुम थोड़ी से बड़े आदमी बन जाओगी। चलो अब मैं अपने सपने के बारे में बताती हूँ। हम आराम से करी राइस खा रहे थे और तभी वहाँ पर एक टीवी रिपोर्टर आ गया। ऐसा लगता है कि हम सही जगह पहुँच गए। अरे यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है और ये लड़की तो सबसे अलग लग रही है। हम काफी दिनों से ऐसी ही लड़की को तो ढूंढ रहे थे। चलो चलकर इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मैं अक्सर खाने की चीजों के एड्स करती हूँ। वैसे मैं कुछ फिल्मों में भी काम कर रही हूँ। हाँ एक बात और, तुम्हारे सपने मुझे असली नहीं लगते ही। हाँ ये तो बिल्कुल नकली लगता है। तुम्हें पता नहीं टीवी रिपोर्टर कभी ऐसी जगह नहीं आते हैं। मैंने कहा तो था कि ये सपना है। अब सब मेरा सपना सुनो। कल करी पार्टी होने वाली है, मतलब मजा आएगा। जादुई पत्थर। लगता है उस पत्थर का नाम जादू थल। एक ऐसा पत्थर जिसमें जादू है। तुम्हारा सपना तो बिल्कुल अलग है। लेकिन पता है ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। पता था तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। शायद तब तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाए। अरे सच में ये तो जादुई पत्थर है। सच कह। अरे तुमने तो कहा था कि ये पत्थर तुम्हें नहीं मिला। दोस्तों ये करी राइस जैसा नहीं है, बल्कि ये आलू राइस जैसा है। हाँ आलू राइस भी चलेगा। ठीक है अब मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ। मैं अपने पास कई तरह के अलग अलग मसाले रखता हूँ जो सिर्फ मेरे होटल में ही मिलते हैं। अरे वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। तुम हमारे स्कूल की सबसे अच्छी शेफ हो। तुम हमारे शहर की भी सबसे अच्छी शेफ हो। ये सिर्फ सपने की बात नहीं है, मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहते हो शिनचान? मैं कर सकता हूँ का मतलब मैं कर सकता हूँ। मेरी इतनी भी तारीफ मत करे। मैं तारीफ नहीं कर रहा। दोस्तों अब वक्त है मेरा सपने सुनने का। मैं जानता हूँ तुम्हारे सपने के बारे में। तुमने जरूर अपने सपने में किसी न किसी को तंग ही किया होगा। और क्या करोगे तुम?
बिल्कुल गलत जवाब। तो इसका मतलब तुमने कुछ और देखा? जी हाँ, जैसा तुमने बोला उससे बिल्कुल अलग। मुंह खोलो शिनचैन। टेस्टी है ना? तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा सपना तुम्हारे सपने से ज्यादा अच्छा था? मुझे करी खाने में बहुत मजा आया खजामा। ऐसा नहीं है। सुनो बच्चों, तो क्या सब बच्चे तैयार हैं करी पार्टी के लिए? ये एप्रन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, बताओ। थैंक यू मैम। हाँ, आप सही कह रही हैं। वैसे हम इन सब्जियों का क्या करें? तुम सभी अपनी अपनी सब्जियाँ लेकर ऑडिटोरियम में चलो। ठीक है मैम। चलो चले। कुछ देर के लिए अपनी उंगली मत हिलाना। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब क्या होगा? बच्चों ध्यान से सुनो कि जिस हाथ से तुमने चाकू नहीं पकड़ा है उस हाथ से सब्जियों को पकड़ो और इस तरह आराम से दबाओ, ठीक है? हाँ। पर ये काम तुम्हें पूरे ध्यान से करना है। ठीक है। अरे मेरी उंगली में चोट लगी हुई है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, अब क्या होगा? अब तुम स्कूल के अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे। देखो देखो, मैंने इस आलू को पहाड़ के शेप में काटा है, ये कितना सुंदर है ना? पर इसे खाएगा कौन? अरे वाह अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ से। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे भी नहीं। शिनचैन बेकार की हरकतें बंद करो। नैनी क्या देख रही हो? टीवी रिपोर्टर यहाँ नहीं आने वाला, समझी? मुझे पता है कजामा। इधर देखो बच्चों, यहाँ कौन आया है? मुझे इनके बारे में कुछ बताना है। बच्चों ध्यान से सुनो, पता है ये खाने के बारे में बहुत कुछ जानती है। कैसे हो बच्चों? अरे वाह, अब खाने के बारे में जानती है और मैं बहुत सारे खाना खाता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अपना मुंह खोलो शिनचैन, खुद अपने हाथों से खाओ। वो आज मैं सोच रहा हूँ सारे काम खुद ही हो जाए और मुझे खुद अपने हाथ से कुछ भी ना करना पड़े। ये लो और खाओ। आखिर में वही हुआ जो शिनचैन कह रहा था, देखो उसका सपना सच हुआ। ये